साईं तेरा साईं सबका प्यारा भव सागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा भव सागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। नू क्यों कर रहे हैं बाबा ऐसा? जिस द्वारिकानाथ और वैद्य जी ने हमेशा उनसे ईर्ष्या की, नफरत की, बाबा उन्हीं की बात सुन रहे हैं। वो कौन है ये जोहर? कहां से आया है? कोई नहीं जानता उसे। अब अचानक साईं बाबा उसके चेले बन गए? हम इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं राधा बाई। साईं बाबा हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान को किसी शैतान की चाकरी करते हुए नहीं देख सकते। अब हंस रही है राधा बाई। सोच रही हूँ नूर कि जौहर कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यात्मा है वो कि उसकी सेवा खुद साईं बाबा करते हैं। साईं बाबा जैसे साधु संतों की लीलाएं हमारी बुद्धि से परे होती हैं। ऐसे योगियों के लिए धूप और छांव, आग और पानी सब समान होते हैं। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है। अपने योग सामर्थ्य से साईं बाबा जैसे योगी राज असंभव भी संभव कर दिखाते हैं। आप ही ने कहा था शिबू बाई, दिवाली के अवसर पर साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। श्री स्वामी समर्थ ने भी इसी तरह की लीला की थी। श्री स्वामी समर्थ का भक्त था भगवंत अप्पा सुतार। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ भगवान सुतार कैसे हो? आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है स्वामी महाराज। बेटी कलावती तुम? बस आपका आशीर्वाद है महाराज। आपसे एक प्रार्थना है स्वामी महाराज। खेत में नया कुआं बनवाया है ना तुमने? आपको तो सब पता है भगवान। हम चाहते हैं आप उस कुएं से पहली बार पानी निकालें और खेत पर ही भोजन करके हमें कृतार्थ करें। स्वामी महाराज आपसे एक प्रार्थना है। अगर एक बाल्टी पानी आप स्वयं इस कुएं से निकालकर इन खेतों में डाल दें तो इस जगह का भाग्य खुल जाएगा। भोजन का प्रबंध हो गया? हाँ स्वामी जी महाराज, भोजन खेत में ही बनाया जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब की भोजन की बात कर रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, इन सबको भोजन दिया जाएगा। पुंडलिक वरदा। हरि हरि विठ्ठल। पुंडलिक वरदा। हरि हरि विठ्ठल। श्री ज्ञान देव। तुकाराम। श्री ज्ञान देव। तुकाराम। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ।
सच्चिदानंद सतगुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी महाराज, आप पेड़ की छांव में विश्राम कीजिए, तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। बेटी, अकेले मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। जी। ये स्वामी महाराज भी ना, इतने सारे लोगों को भोजन देने के लिए क्यों कहा इन्होंने? अब स्वामी जी का आदेश है तो उसका पालन तो करना ही पड़ेगा ना। अरे सदोबा, कहाँ जा रहे हो? आओ। स्वामी महाराज, आप यहाँ? आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सुतार सबके लिए भोजन बना रहा है, आज ये सभी आगंतुकों को भोजन कराएगा। आप स्वामी महाराज को समझाइए ना। अरे पांडोबा, ओ सदाशिव, आओ आओ। अरे सुतार आज सभी को भोजन करा रहा है। प्रणाम स्वामी महाराज। स्वामी जी पूरे गांव को बुला रहे हैं, और हम पूरे गांव को भोजन कैसे करा सकते हैं? ना ही इतना सामान है, ना कोई सामग्री है, और मैं अकेली कैसे करूंगी ये सब? अरे सुतार, भोजन जल्दी बनाओ, भूख लगी है सबको। चलो भोजन बनाते हैं। अरे अभी तक चूल्हा नहीं जलाया, क्या हमें भूखा रखने का इरादा है? आपने घासलेट कहाँ रखा है? ये लो। चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। ये हो क्या गया है? सुतार, तुमने हमें भोजन कराने का वादा किया था, और अब चूल्हा ना जलने का बहाना कर रहे हो? क्या भोजन कराने का इरादा नहीं है? ये क्या कह रहे हैं स्वामी महाराज? तुम पर विश्वास करके मैंने सभी गांव वालों को भोजन के लिए बुलवाया, और अब तुम बोल रहे हो कि चूल्हा नहीं जल रहा है? सच कह रही हूँ स्वामी महाराज, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चूल्हे में आग ही नहीं पकड़ रही है। आग दिल में जलनी चाहिए, ऐसी आग जो दूसरों के दुख को देखकर खुद जल उठे, और हम उनकी सहायता के लिए तुरंत दौड़े चले जाएं। बेटी, ऐसी आग जैसे ही हमारे दिल में जलती है ना, हमारे मन के तमाम स्वार्थी विचार उस आग में जलकर स्वयं भस्म हो जाते हैं। तुम्हारे मन में खोट था, तुम इन सबको भोजन नहीं कराना चाहती थी। अगर तुम इन सबको भोजन कराना चाहती तो चूल्हे में आग स्वयं जल उठती। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। अगर ये चूल्हा जल गया तो मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगी, मैं सबको भोजन कराऊंगी। दिल से कह रही हो बेटी? हाँ स्वामी महाराज, मैं दिल से कह रही हूँ। अब आप इस चूल्हे को जलाइए, और मेरे मन में जो स्वार्थी विचार उत्पन्न हो गए थे उन्हें इस अग्नि में जला दीजिए। उठो बेटी। और तुमने जो नया कुआं बनवाया है ना, उसमें से तुम दोनों पति पत्नी एक बाल्टी पानी लेकर आओ। पानी? हाँ जाओ। पानी क्यों मांगा स्वामी महाराज ने? पानी नहीं आ रहा है। स्वामी महाराज, पानी। सदोबा, पांडोबा, सदाशिव, पानी पियो। सबको पानी पीकर जाने के लिए ना कहे महाराज, मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगी। सदोबा, इस पानी को मुंह में डालो और कुल्ला करके चूल्हे पर फेंको।
मैंने कहा मुंह के पानी को चूल्हे पर फेंको। जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ अक्कलकोट जी महाराज की जय। स्वामी समर्थ अक्कलकोट जी महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ ने पानी से चूल्हा जलाकर बता दिया कि अगर दिल में प्रबल इच्छा शक्ति हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि अवतारी सतपुरुष का हर कार्य रहस्यमय होता है। उनकी हर कृति के पीछे समाज का भला और भक्तों का हित छुपा हुआ होता है। क्यों माँ जी, कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं आप? घासलेट से कैसे आग जलाई जाती है या पानी से कैसे जलाई जाती है? वो ऊपर वाला भी कमाल का काम करता है। उसके राज में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए तो जन्म के बाद मृत्यु आती है और दिन के बाद रात होती है। जो ऊपर चढ़ता है उसे नीचे आना ही पड़ता है नूरबाजी। इसलिए हमेशा मालिक की शरण में जाना चाहिए, हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। अहंकार को त्याग कर अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। चलो। हाँ, चलो चलो बाबा। सुकुबाई, अब मुझे मत रोको। अगर समय रहते बाजार से सामान लाकर मैंने गुरुदेव के लिए खाना नहीं बनाया तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। ऐसा लगता है कि अब साई बाबा हमारे नहीं रहे। गुरुजी, द्वारका माई में प्रवेश करते ही जब साईनाथ का दर्शन नहीं होता है तो दिल रोता है। जो आपके दिल का हाल है महालसपति, वही हम सबके दिल का। अब सोचना यह है कि हम अपने साईनाथ को वापस कैसे लाएं। गुरुजी, महासपति जी, वो देखिए बाबा, साईनाथ। देवा, देवा, साईनाथ, साईनाथ, देवा, बाबा, साईनाथ, देवा, बाबा, साईं बाबा, बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने भगवान की चरण वंदना। ये कैसा पागलपन है महासपति? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ। साईं बाबा तो है। आपके और मेरे तो 72 जन्मों के संबंध है देवा। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ श्यामा? तो फिर मेरे साथ चलिए देवा। कहाँ? द्वारिका माई। हाँ बाबा, द्वारिका माई में चलिए। हाँ चलिए बाबा। आप लोग इस तरह जबरदस्ती मुझे द्वारिका माई नहीं ले जा सकते। ये आप बोल रहे हैं बाबा? हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या आपने मुझे ठुकरा दिया साईनाथ? मुझे नहीं मालूम। अरे तो फिर क्या याद है आपको? क्या मालूम है? अब इस समय मुझे इतना ही याद है कि मुझे अपने गुरुदेव के लिए बाजार से सामान खरीदना है इन थैलियों में और घर जाके उनके लिए भोजन तैयार करना है। हाँ आप आप खाना बनाएंगे बाबा? वो भी जौहर के लिए? हाँ। कितनी बार कहा है सगुण की कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ हम सब ये भूल चुके हैं देवा। आप द्वारिका बाई में चलिए और फिर से हमें ये सब समझा दीजिए। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने गुरुजी के लिए खाना बनाना है। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। बाबा, देवा, बाबा, साईनाथ, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, देवा। गुरुजी, ऐसा लगता है साईनाथ ने हमसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अगर रघुराम ने उस मनहूस जानकी को उसके मायके वापस नहीं भेजा तो मैं रघुराम के साथ सारे संबंध तोड़ लूंगी। अंबिका, रघुराम हमारा छोटा बेटा है। छोटा है पर
परंतु हमसे बड़ा बनना चाहता है, हमसे। और जो हमसे बड़ा बनना चाहता है वो मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, बस। शांत हो जाओ अंबिका। जब दरिद्र नारायण की वो बेटी इस घर से चली जाएगी तभी मेरे दिल में लगी आग शांत होगी। अगर तुम्हारे दिल में लगी आग शांत नहीं हुई अंबिका, तो उससे हमारे रघुराम के सारे सुख और सपने जलकर राख हो जाएंगे। रघुराम की फिक्र छोड़िए जमींदार साहब, मैं आपको चेतावनी देती हूँ, अगर जानकी इस घर से नहीं गई, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे धमकी दे रही हो, जाना चाहती हो, अरे तो जाओ। अरे कोई तुम्हारी धमकी से नहीं डरेगा और ना ही तुम्हें कोई रोकेगा। अरे इसी व्यवहार के कारण तुम्हारे मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। उस दरवाजे पर जाकर चाहे जितने भी दस्तक दो, न तुम्हारा भाई दरवाजा खोलेगा न तुम्हारी भाभी दरवाजा खोलेगी। अरे अकलमंदी इसी में है कि अपनी ससुराल अपना घर संभालो, अपने अहंकार को दांव पर मत लगाओ। साईं बाबा किससे बातें कर रहे हैं? पता नहीं किससे। लगता है उनका कोई भक्त किसी संकट में है। एक बात याद रखो, जो खुद को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करता है वो कभी सुखी नहीं होता, कभी नहीं। सबका मालिक एक। बस बस थोड़ा लीजिए गुरुदेव। द्वारिकानाथ जी कैसा बना है खाना? उत्तम उत्तम। कुछ भी कहिए गुरुदेव, साईं के हाथ में जादू है, इसके हाथ का स्वाद ही निराला है। निराला? जोर बाबा जो मुफ्त का खाते हैं ऐसे ही बातें करते हैं। द्वारिका नाथ जी को तो बिना काम किए ही खाने की आदत हो गई है। ए धोनिया, अब सिर्फ खाने के लिए मुंह खोल, समझा? तू चुपचाप खा ले बेटू, खा ले। अरे ढोंडू, खाने पर ध्यान दो। लेकिन बाबा। ढोंडू, अन्न पूर्ण ब्रह्म है, उसका निरादर कभी मत करो। साईं खाना खाते समय तो उपदेश मत दो। ढोंडू से बात करने से अच्छा अपने गुरुदेव से पूछ लेते, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? साईं। हाँ आया गुरुदेव। थाली उठाओ। खाओ खाओ। साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा।